नमस्कार, सुजस समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुधांशु सारस्वत। एक नजर हेडलाइंस पर। ईआरसीपी पर कार्यशाला का आयोजन, मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश सरकार ईआरसीपी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने माही परियोजना के लिए 2500 करोड़ रुपए की स्वीकृत, 338 गांवों में होगी सिंचाई सुविधा उपलब्ध। राज्य में समर्थन मूल्य पर चना की बंपर खरीद, 1,29,000 किसानों से खरीदा 2,98,000 मीट्रिक टन चना। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का काम रोकने के लिए कहा है। हमारी सरकार ने ईआरसीपी के लिए 9,600 करोड़ रुपए का बजट राज्य कोष से जारी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में अभी तक राज्य का पैसा लग रहा है और पानी हमारे हिस्से का है, तो केंद्र सरकार हमें ईआरसीपी का काम रोकने के लिए कैसे कह सकती है। आपको बता दें कि इस योजना से प्रदेश के 13 जिलों को पानी मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ईआरसीपी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जिस रूप में एक पत्र आया भारत सरकार का, जो अभी तक किसी को नहीं मालूम है, इस योजना को रोकने के लिए आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो नहीं करो, वो लड़ाई चलती रहती डेमोक्रेसी के अंदर। पर ये आप कहें योजना को आप बंद कर दीजिए जब तक आपको नहीं कहें, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ। तो अभी मैं आप हम अपने साधनों से इस परियोजना पर कार्य जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। जो काम शुरू कर दिया है उसमें प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना से अपर हाई लेवल नहर के निर्माण के लिए 2,500 करोड़ रुपए और श्री हरिदेव जोशी नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए 129 करोड़ 19 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने आदिवासी अंचल के विकास से संबंधित इस परियोजना में 121 अतिरिक्त गांवों को भी कमांड क्षेत्र में सम्मिलित किया है। इस परियोजना से अब बांसवाड़ा जिले के कुल 338 गांवों के 41,903 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि को जून 2022 से 5 वर्ष बढ़ाकर जून 2027 तक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी और कोरोना महामारी के कारण राज्यों की आर्थिक स्थिति गंभीर हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान को दिए 4,822 करोड़ 63 लाख रुपए की जीएसटी क्षतिपूर्ति की बकाया राशि राज्य को देने के मामले को कई बार उठाया गया है, लेकिन यह राशि अब तक प्राप्त नहीं हुई है। समर्थन मूल्य पर राज्य में चना की खरीद पूरी हो गई है। खरीद 1 अप्रैल से शुरू की गई थी। इसके लिए 635 खरीद केंद्र भी बनाए गए थे। 29 जून तक पूरी हुई खरीद में राजफेड द्वारा 1,29,957 किसानों से 2,98,000 मीट्रिक टन चना खरीदा गया है, जिसकी राशि 1,562 करोड़ रुपए है। रबी सीजन वर्ष 2021-22 में 17,464 मीट्रिक टन चना 8,599 किसानों से खरीदा गया था, जिसकी राशि 89 करोड़ रुपए थी। पिछले सीजन की तुलना में इस सीजन में 1,562 करोड़ रुपए की खरीद 1,29,000 किसानों से की गई है, जो कि उत्साहजनक है। किसानों को उपज बेचान के लिए उनके गांव के समीप ही खरीद केंद्र की सुविधा दी गई थी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे मनाया गया। बच्चे स्कूल बिना बैग के पहुंचे और खेलकूद की गतिविधियों में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि बस्ते का बोझ कम करने और शारीरिक विकास के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 फरवरी 2020 को बजट भाषण के दौरान शिक्षा विभाग से संबंधित घोषणाओं में सप्ताह में एक दिन शनिवार को सरकारी स्कूलों में बैग नहीं ले जाने और उस दिन कोई अध्यापन कार्य नहीं किए जाने संबंधी निर्णय की घोषणा की थी। सुजस समाचार में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।